नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। संगणक का एग्जाम हो चुका है। पेपर देने के बाद क्या होता है कि अपनी जो आशा होती है उसके अनुरूप कई बार पेपर आ जाता है, कई बार उससे ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सरल भी आ जाता है। इस कारण अपना पेपर है वो अच्छा भी चला जाता है या फिर बुरा भी चला जाता है, लेकिन अपन ये सोचते हैं कि औरों के मुकाबले मेरा पेपर कैसा है, उसकी जानकारी अपने को होती है पेपर के लेवल के आधार पर। तो मोटे मोटी इस वीडियो में अपन शॉर्ट में यही बात करेंगे कि आज जो संगणक का एग्जाम था इसका लेवल कैसा था, पेपर का क्या लेवल था। तो मेरा तो विचार यही है कि वास्तव में बहुत शानदार पेपर बनाया RSSMB ने। इसके लिए RSSMB का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पेपर नहीं था कि अपन रटन विद्या करके चले गए और पेपर अटेंड हो जाएगा, या फिर लास्ट के एक आधे महीने में अपने तैयारी शुरू की और उसी पेपर हल हो जाएगा। इस हिसाब का पेपर नहीं था, बहुत शानदार प्रश्न बनाए। जिस हिसाब से अपने सोचे थे, कुछ मैंने MCQ भी करवाए थे पिछले पेपर IEA वाले जूनियर अकाउंटेंट वाले, इनके आधार पर तो उस हिसाब के भी क्वेश्चन आए थे। यदि मोटा मोटी मैं पार्ट वाइज चर्चा करूँ तो गणित मेरे हिसाब से थोड़ी इजी थी। हाँ, जिनको गणित नहीं आती उनको ये भी हार्ड लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से गणित इजी थी। राजस्थान GK, कंप्यूटर मीडियम और हार्ड के बीच का था। स्टेटिक्स और इकोनॉमिक्स है वो हार्ड है, यानी वन लाइनर क्वेश्चन कम थे भी वो भी केवल रट्टी रट्टा हिसाब से हल होने वाले नहीं थे। आपने भी बहुत सारे MCQ मिलाए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं, उनसे आप इस पेपर को देखेंगे तो हूबहू प्रश्न है ना कि आपने जो प्रश्न पढ़ लिया हूबहू इस पेपर में आ गए, इस हिसाब के मिलेंगे नहीं आपको। सीधे सीधे हल होने वाले क्वेश्चन है बहुत कम थे। ऐसा नहीं है कि आपने लंबी तैयारी कर ली और आप इस पेपर में 75-80 नंबर लिया होगे, इस स्तर का पेपर नहीं था। कम से कम 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं थे। तो पूरे पेपर के ओवरऑल मेरी राय की चर्चा करें तो पेपर है वो हार्ड था। तो हार्ड का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन हल होने लायक ही नहीं थे, कहने का मतलब है जिस हिसाब से 2018 संगणक भर्ती में जो इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे या फिर वन लाइनर सीधे हल होने वाले क्वेश्चन है उस हिसाब के क्वेश्चन नहीं थे, दिमाग लगाकर होने वाले क्वेश्चन थे, तो इस हिसाब से पेपर है वो हार्ड था। अब आप जैसे आप आंसर की वजह से अपने आंसर मिलाओगे तो अभी आपको यदि मीडियम भी लग रहा है तो क्वेश्चन और भी गलत होंगे। उस हिसाब से लास्ट तक यदि आपके आपकी सोच से कम क्वेश्चन बचे तो भी निराश मत होना, मेरी राय के अनुसार है पेपर हार्ड था, ज्यादा नंबर आपके बढ़ने वाले है नहीं। कई बार क्या होता है कि अपन पेपर के बारे में कुछ ज्यादा आशा लगा लेते हैं, ज्यादा लंबी तैयारी करते हैं तो इस हिसाब के नंबर अपने आने चाहिए, तो उस हिसाब का पेपर नहीं है। यदि आपका पेपर औसत हुआ है तो आप इस बात से संतुष्ट रहना कि लगभग लड़कों के लिए संतुष्टि लायक ही पेपर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला पेपर है नहीं। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। थैंक यू सो मच।